हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे असम हिस्ट्री से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एपीएससी हो या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का या डीएचएस जो एग्ज़ाम अभी निकला, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम हिस्ट्री से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किंग कंदरपेश्वर वॉज अलाउड टू सेटल इन हुच प्लेस आफ्टर 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट के बाद किंग कंदरपेश्वर को कहाँ पे अलाउड किया गया सेटल करने के लिए, रहने के लिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर टू, इन हाउ मेनी पार्ट्स द ब्रिटिश डिवाइडेड आसाम फॉर द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन के लिए असम के कितने पार्ट किया गया, डिवाइड किया गया असम के कितने पार्ट पे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉज ऑन ड्यूटी इन लोअर असम अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन असम। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर असम के जो लोअर असम है उसमें किसको मतलब ड्यूटी अपॉइंट किया गया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड स्कॉट। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर हाउ मेनी डेज कैप्टन वेल्स स्टेड इन असम। कैप्टन वेल्स जो कितने दिन के लिए असम में स्टे किया था, रहे थे। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 मंथ। आज का लास्ट क्वेश्चन, कनकलता बरुआ वॉज किल्ड व्हाइल शी वॉज ट्राइंग टू होस्ट द ट्राई कलर इन हुई पुलिस स्टेशन। सो ये इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोहपुर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।